बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज यानी 16 अक्टूबर को हेमा का जन्मदिन है। हेमा की खूबसूरती और उनकी अदाकारी का तो हर कोई दीवाना है, और आज उनके बर्थडे के खास मौके पर हम उनकी जिंदगी से जुड़े उस किस्से के बारे में बताएंगे जिसमें हेमा को 3-3 सितारों ने शादी के लिए प्रपोज किया था, और बताएंगे आखिर क्यों हेमा ने 4 बच्चों के पिता धर्मेंद्र को अपना जीवन साथी चुना। बता दें कि हेमा मालिनी इतनी खूबसूरत थी कि उन्हें इस वजह से अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। हेमा 10th क्लास में थी और उन्हें लगातार फिल्मों के ऑफर आ रहे थे, इस कारण उन्होंने पढ़ाई छोड़ फिल्मों में काम करने का फैसला लिया। इसके चलते हेमा की पढ़ाई सिर्फ 10th क्लास तक ही रह सकी। उनकी खूबसूरती पर उस दौर के कई एक्टर्स फिदा थे, हर कोई उन्हें अपनी दुल्हन बनाने का ख्वाब देखने लगा था। 1974 का वो दौर जब हेमा से सिर्फ धर्मेंद्र ही नहीं बल्कि 2 और दिग्गज अभिनेता प्यार कर बैठे थे। इन 2 सितारों के नाम थे संजीव कुमार और जितेंद्र। संजीव हमेशा से मन ही मन हेमा से प्यार करते थे, लेकिन हेमा का नाम लगातार धर्मेंद्र से जोड़ा जा रहा था। वहीं हेमा के घर वाले दोनों के रिश्ते को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए संजीव ने मौके पर चौका लगाने की सोची। उन्होंने अपने माता पिता को हेमा मालिनी के घर शादी का प्रस्ताव लेकर भेज दिया, लेकिन हेमा की मां ने ये कहकर रिश्ता करने से मना कर दिया कि उनकी बेटी की अभी शादी की उम्र नहीं है, इसलिए वो शादी नहीं कर सकती हैं। हेमा के मना करने के बाद भी संजीव ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने दोस्त जितेंद्र को हेमा के घर शादी का प्रस्ताव लेकर भेजा। जितेंद्र ने हेमा को समझाया कि संजीव सीधे साधे हैं, कुंवारे भी हैं, तुम उनसे शादी कर लो। लेकिन हेमा ने जितेंद्र से कहा कि वो संजीव को पसंद तो करती है लेकिन शादी नहीं कर सकती। इस बार हेमा की ना सुनकर संजीव बेहद दुखी हो गए थे। खबरों की माने तो इस गम में संजीव शराब पीने लगे थे, इसके चलते उनकी सेहत भी खराब हो गई थी। यहाँ खास बात ये थी कि अब जितेंद्र का दिल भी हेमा पर आ चुका था। संजीव से शादी के इनकार के बाद जितेंद्र को लगा कि शायद अब हेमा उनसे शादी के लिए हाँ कर देंगी। वो भी हेमा से प्यार करने लगे। उन्होंने भी हेमा को प्रपोज किया। उनके प्रपोजल के बाद अब हेमा कंफ्यूज हो चुकी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बाल बच्चों वाले धर्मेंद्र को चुने या कुआरे जितेंद्र को। इसके चलते वो काफी तनाव में रहने लगी थी। वहीं धर्मेंद्र भी यह नहीं समझ पा रहे थे कि पत्नी और बच्चों के होते हुए हेमा को कैसे अपनाएं। फिल्म धुलन की शूटिंग के दौरान जितेंद्र और हेमा ने साथ में काफी अच्छा समय बिताया। शूटिंग खत्म होने के बाद जितेंद्र अपने माता पिता को लेकर हेमा के घर पहुंच गए। दोनों के घर वाले बात ही कर रहे थे कि तभी धर्मेंद्र का फोन आया। उन्होंने हेमा पर गुस्सा किया और कहा कि वो फैसला लेने से पहले उनसे मिले। अब हेमा काफी परेशान हो चुकी थी। उन्हें देखकर जितेंद्र को लगा कि कहीं हेमा अपना फैसला न बदल दे। इसके लिए उन्होंने उसी दिन तिरुपति मंदिर में शादी करने का फैसला ले लिया। अभी हेमा इस बारे में सोच ही रही थी कि फिर से फोन की घंटी बजी। इस बार धर्मेंद्र नहीं जितेंद्र की गर्लफ्रेंड शोभा का फोन था। उन्होंने जितेंद्र को अपने प्यार का वास्ता देकर शादी ना करने को कहा। अब हेमा के घर पर लगातार कभी शोभा के फोन आते तो कभी धर्मेंद्र के। इतना ही नहीं, धर्मेंद्र तो फ्लाइट पकड़कर हेमा के घर चेन्नई तक पहुंच चुके थे। फिर क्या था, जितेंद्र का हेमा से शादी करने का सपना अधूरा रह गया। इसके बाद जितेंद्र ने अपनी गर्लफ्रेंड शोभा से 1976 में शादी कर ली। लेकिन अभी हेमा और धर्मेंद्र की प्रेम कहानी अधूरी थी। वहीं हेमा के पिता को ये रिश्ता कबूल नहीं था। हेमा के पिता उनके लिए लड़के देखने लगे थे, लेकिन अब हेमा का धर्मेंद्र के बिना रहना मुश्किल हो चुका था। वक्त के साथ दोनों का रिश्ता मजबूत होता चला गया, लेकिन धर्मेंद्र का शादीशुदा होना उनके रिश्ते की बाधा बन रहा था। दोनों अब खुलकर मीडिया के सामने अपने रिश्ते को कबूलने लगे थे। वहीं धर्मेंद्र अपनी पत्नी प्रकाश कौर के बारे में कभी कोई बात भी नहीं करते थे। 1976 में एक मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू में
हेमा ने कहा था कि वो धर्मेंद्र की पत्नी प्रकाश कौर को बहुत पसंद करती हैं, लेकिन धर्मेंद्र के बिना नहीं रह सकती। वहीं धर्मेंद्र समझ नहीं पा रहे थे कि पत्नी के होते हुए दूसरी शादी कैसे करें, क्योंकि प्रकाश कौर धर्मेंद्र को तलाक देने को तैयार नहीं थी। आखिरकार हेमा और धर्मेंद्र ने फैसला लिया जो वो कभी नहीं लेना चाहते थे। दोनों ने इस्लाम धर्म कबूल कर शादी करने का फैसला लिया। फिर दोनों ने चुपचाप निकाह भी कर लिया। इसके बाद दोनों ने हिंदू रीति रिवाज से भी शादी की। इस तरह हेमा धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी बन गई। शादी के बाद 1981 में प्रकाश कौर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हेमा ने जो कुछ किया वो अच्छा नहीं किया, अगर हेमा की जगह वो होती तो ऐसा कभी नहीं करती। लेकिन कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है और प्यार के आगे कुछ नहीं दिखता।